गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है देवेंद्र। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल सुप्रीम आईक्यू में। दोस्तों, आज हम पहले आज के करंट अफेयर्स पर बातचीत करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस वन स्पेशल टॉपिक दैट विल बी वेरी स्पेशल। फ्रेंड्स, बने रहिए इस वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखिए। एट द एंड यू विल फील गुड। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल रहेगी और आपके जनरल नॉलेज और भविष्य में आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन ये है, रिसेंटली FSSAI हैज प्रोहिबिटेड द सेल ऑफ जंक फूड विद इन हाउ मैनी मीटर्स ऑफ द स्कूल कैंपस। हाल ही में FSSAI ने स्कूल कैंपस के कितने मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन 30 मीटर, सेकंड ऑप्शन 70 मीटर, थर्ड ऑप्शन 50 मीटर, फोर्थ ऑप्शन 80 मीटर। तो ये है 50 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। फ्रेंड्स, अभी FSSAI ने यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने स्कूलों एवं अन्य एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स की कैंटीन में जंक फूड की बिक्री को प्रतिबंधित कर दिया है। इसका दायरा रखा है 50 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 50 मीटर के दायरे के अंदर जंक फूड एवं अन्य अस्वास्थ्यकारी भोजन पर बैन है। फ्रेंड्स, ये जो जंक फूड की बिक्री पर बैन लगाने का मेन पर्पज है, ये है स्कूली बच्चों के लिए पौष्टिक एवं सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करना। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ स्टेटिक्स एवं कुछ फैक्ट्स पर बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका फाउंडेशन हुआ था अगस्त 2011 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके प्रेजेंट टाइम पर जो चेयरपर्सन है वो है रीता टियोटिया। चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जैविक ईंधन दिवस कब मनाया गया है? व्हेन इज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड? देयर आर फोर ऑप्शन, 7 अगस्त, 2 अगस्त, 8 अगस्त एंड 10 अगस्त। तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया 10 अगस्त को। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज 10 अगस्त। फ्रेंड्स, 10 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व जैविक ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी जो विश्व जैविक ईंधन दिवस है यानी कि वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इसे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में, जो कि गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जैविक ईंधन क्षेत्र में सरकार द्वारा जो भी प्रयास किया जा रहा है उसको उजागर करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, पूरी दुनिया में ऊर्जा की खपत तेज़ी से बढ़ रही है, कहीं ये खजाना खत्म ना हो जाए और उसके खत्म होने से पहले हमें ईंधन की व्यवस्था करनी होगी ताकि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। इसके लिए भारतीय वैज्ञानिक लगातार जैव ईंधन के उपयोग के एक नए मॉडल को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। बात करते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट की। इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट इज, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति यानी कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई का कितना प्रतिशत हिस्सा जैव ऊर्जा का है? तो इसका 10% हिस्सा जैव ऊर्जा का है। प्रतिवर्ष लगभग 10 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड की बचत करते हुए भारत प्रति रिफाइनरी में 40 to 50 मिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन कर सकता है। और फ्रेंड्स, इस इथेनॉल से होगा क्या? यह खनिज के विकल्प के रूप में जैव ईंधन के रूप में काम करेगा। फ्रेंड्स, यदि विश्व स्तर यानी वर्ल्ड लेवल पर तरल जैव ईंधन की बात करें यानी कि लिक्विड बायोमास की, तो ग्लोबल लेवल पर 3 स्रोतों पर काम चल रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मक्का इथेनॉल, ब्राज़ील से गन्ना इथेनॉल और यूरोपियन यूनियन से बायो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू हैव ए फीमेल इन चाइना ऑन ए ट्रैफिक सिग्नल। हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन चुका है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 4,
नंबर वन चेन्नई, नंबर टू चंडीगढ़, नंबर थ्री मुंबई, नंबर फोर बेंगलुरु। तो ये है मुंबई, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। फ्रेंड्स अभी मुंबई जो ट्रैफिक सिग्नल पर प्रतीक चिन्ह, महिला प्रतीक चिन्ह अंकित करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। फ्रेंड्स ये एक प्रतीक है, एक संकेत है जो लैंगिक समानता को सुनिश्चित कर रहेगा। फ्रेंड्स अभी तक होता ये था कि ट्रैफिक सिग्नल पर मेल इंसैना होता था, लेकिन अब मुंबई शहर में फीमेल इंसैना होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यदि मुंबई के स्टेटिक्स पर, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, यहाँ के अभी करंट सीएम है श्री उद्धव ठाकरे जी, यहाँ के करंट गवर्नर हैं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी। बात करते हैं मुंबई के फॉर्मेशन की, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 01 मई 1960। यहाँ पर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वेटरन ई कॉमर्स कंपनी है रिसेंटली लॉन्च इजी स्टोर फॉर्मेट। हाल ही में किस दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी ने इजी स्टोर फॉर्मेट लॉन्च किया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पेटीएम, दूसरा ऑप्शन है अमेजन, तीसरा ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, चौथा ऑप्शन है शॉपक्लूज। तो ये है अमेजन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री। फ्रेंड्स अभी अमेजन ने इजी स्टोर फॉर्मेट लॉन्च किया है, इसके माध्यम से लोगों को प्रोडक्ट को टच एंड फील एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। दोस्तों इसमें सामान का फिजिकल डिस्प्ले किया जाएगा। इस इजी स्टोर की सबसे खास बात यह है कि इस स्टोर से कस्टमर अमेजन इंडिया की वेबसाइट से किसी भी सामान का ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे और इस स्टोर को स्टाफ की मदद से ऑपरेट किया जाएगा। फ्रेंड्स इस तरह के इजी स्टोर से सामान का ऑर्डर कर वहीं से भी पिक कर सकते हैं और या होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं। और अब इजी स्टोर फॉर्मेट को लॉन्च किया है अमेजन के द्वारा, तो हम बात करते हैं अमेजन से रिलेटेड स्टेटिक्स पे। अमेजन जिसका फाउंडेशन है जुलाई 5, 1994, जिसका हेडक्वार्टर है सिएटल जो कि यूएस में है, इसके करंट सीईओ हैं जेफ बेजो। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस। हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया है? तो यहाँ पर दिए गए चार ऑप्शन। पहला ऑप्शन है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, दूसरा ऑप्शन है स्वेतलाना तिखानोवस्काया, तीसरा ऑप्शन है सिमोनेटा सोमरुगा, चौथा ऑप्शन है रेसेप तैयिप एर्डोगन। दोस्तों ये नाम भारतीय नामों की तरह सिंपल और छोटे नहीं हैं, ये नाम प्रोनाउंसिएशन में कठिनाई पैदा करते हैं, तो इन नामों को याद रखने का एक ही तरीका है, वो है रिवाइज। आपको कंटिन्यू रिवाइज करना पड़ेगा तब आपको ये नाम अच्छे से याद हो पाएंगे। दोस्तों अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन अलेक्जेंडर लुकाशेंको। दोस्तों अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको को बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है और इन्हें छठी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है, और इस चुनाव में सेकेंड नंबर पर रही वो हैं स्वेतलाना तिखानोवस्काया। बात चल रही है बेलारूस की, तो हम बात कर लेते हैं बेलारूस के स्टेटिक्स पे। बेलारूस जिसकी कैपिटल है मिंस्क, जिसकी करेंसी है बेलारूसियन रूबल, जहाँ पर लैंग्वेज है बेलारूसियन और रशियन, और यहाँ के प्रेसिडेंट तो अभी यही हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म दैट इज एंथ रिवार्ड्स। हाल ही में किसने ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंथ रिवार्ड्स लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहां पर चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है रुपे, दूसरा ऑप्शन है RBI, तीसरा ऑप्शन है NPCI, चौथा ऑप्शन है ICICI। दोस्तों ये है NPCI, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू NPCI। तो अभी NPCI ने ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है एंटी रिवार्ड्स। ये प्लेटफॉर्म यूजर्स को विभिन्न बैंक लेन देन के माध्यम से ई वाउचर, दान, होटल और उड़ान बुकिंग जैसे विभिन्न उत्पादों पर तुरंत रिडीम करने में सक्षम बनाएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ स्टेटिक्स पर बात कर लेते हैं। यदि बात करें NPCI की, तो NPCI की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2008 में, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में,
प्रेजेंट टाइम पे इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप अजबे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच आईआईटी हैज बिन डेवलप्ड इंडिजीनियस सीड पॉल्स। हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, नॉन ऑफ दी एबव। तो हाल ही में आईआईटी कानपुर ने स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, दैट इज सीड बॉल। इसमें क्या होता है, खाद मिट्टी और बीज का एक कॉम्बिनेशन होता है। ये एक सीड बॉल होती है जिसके लिए आपको गड्ढा नहीं खोदना पड़ता है। इस सीड बॉल को आप कहीं भी रख दीजिए तो वहाँ पर वृक्ष उग जाएगा। तो इसलिए ये सीड बॉल बनाई गई है, स्वदेशी बीज गेंद विकसित की है आईआईटी कानपुर की ने। तो बात करते हैं आईआईटी कानपुर की, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1959 में। फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द मैक्सिमम लोन अमाउंट अंडर द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम फॉर ₹5 करोड़ टू हाउ मच। हाल ही में केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए, पहला ऑप्शन ₹15 करोड़, दूसरा ऑप्शन ₹11 करोड़, थर्ड ऑप्शन ₹13 करोड़, फोर्थ ऑप्शन ₹10 करोड़। तो दोस्तों ये है ₹10 करोड़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर। दोस्तों अभी केंद्र सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ तक कर दिया है। फ्रेंड्स जब हम बात करते हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना की, तो इस योजना को स्टार्ट किया गया था मई 2020 में। तो योजना केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था, और इस योजना का फंड बजट था 41,600 करोड़ रुपीज। दोस्तों बात करते हैं इस योजना के फैक्ट्स पर। इस योजना के तहत मूल राशि पर 1 वर्ष की छूट अवधि के साथ लोन की अवधि 4 साल रहेगी, और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए योजना की ब्याज दर 9.25% और NBFC बैंकों के लिए 14%। फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द इंदिरा वन मितान योजना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर सेम चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है छत्तीसगढ़, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन राजस्थान, चौथा ऑप्शन है उड़ीसा। दोस्तों ये है छत्तीसगढ़, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। फ्रेंड्स अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ द्वारा एक योजना की शुरुआत की गई है जिसका नाम है इंदिरा वन मितान योजना। ये जो इंदिरा वन मितान योजना है ये छत्तीसगढ़ के वनवासियों के समर्थन करने का एक पहल है। फ्रेंड्स इस योजना का मेन पर्पज है छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों से लगभग 19 लाख परिवारों को जोड़ना और आदिवासी वनवासियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। अब इस इंदिरा वन मितान योजना को स्टार्ट किया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ स्टेटिक्स पे। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, यहाँ के गवर्नर हैं भी अनुसुईया उइके, और यहाँ के फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 2000 को। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पिछले वीडियो की तरह अपनी स्पेशल टॉपिक पे। पिछला स्पेशल टॉपिक था ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, आज का स्पेशल टॉपिक है ITER, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर। बात करते हैं ITER की। ITER एक परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे दक्षिणी फ्रांस में बनाया जा रहा है। दोस्तों ये अभी तक का सबसे बड़ा भौतिकी प्रयोग होगा। बात करते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट की।
यह एक इंटरनेशनल न्यूक्लियर फ्यूजन एंड इंजीनियरिंग मेगा प्रोजेक्ट है जो दुनिया का सबसे बड़ा चुंबकीय परिशोधन प्लाज्मा भौतिकी प्रयोग होगा। ITER का लक्ष्य संलयन ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए वैज्ञानिक एंड तकनीकी बेवियरनेस का प्रदर्शन करना है। यह मेगा प्रोजेक्ट 7 सदस्यों यूरोपियन यूनियन, भारत, जापान, चाइना, रूस, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त पोषण द्वारा चल रहा है। दोस्तों, बात करते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट में योगदान की, तो सबसे बड़ा योगदान है यूरोपियन यूनियन का, जो पूरे मेगा प्रोजेक्ट के खर्च का 45% खर्चा उठाएगा और बाकी शेष देश पूरे मेगा प्रोजेक्ट का 9-9% योगदान देंगे।